यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 33। यशायाह अध्याय 33। हाय तुझ लुटेरे पर जो लूटा नहीं गया था, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया था। जब तू लूट चुके तब तू लूटा जाएगा, और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम तेरी ही बाट जोहते आए हैं। तू भोर को उनका भुजबल और संकट के समय हमारा उद्धारकर्ता ठहर। हुल्लड़ सुनते ही देश देश के लोग भाग गए। तेरे उठने पर अन्य जातियां तितर बितर हुई, और जैसे टिड्डियां चट करती है वैसे ही तुम्हारी लूट चट की जाएगी, और जैसे टिड्डियां टूट पड़ती है वैसे ही वे उस पर टूट पड़ेंगे। यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। उसने सियोन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार और बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, और यहोवा का भय उसका धन होगा। देख, उनके शूरवीर बाहर चिल्ला रहे हैं, संधि के दूत विलक विलक कर रो रहे हैं, राजमार्ग सुनसान पड़े हैं, अब उन पर बटो ही नहीं चलते। उसने वाचा को टाल दिया, उसने नगरों को तुच्छ जाना, उसने मनुष्य को कुछ न समझा। पृथ्वी विलाप करती और मुरझा गई है, लबानोन कुंभला गया और उस पर स्याही छा गई है, शारोन मरुभूमि के समान हो गया है, और बाशान और कर्मेल में पतझड़ हो रही है। यहोवा कह रहा है कि अब मैं उठूंगा, अब मैं अपना प्रताप दिखाऊंगा, अब मैं महान ठहरूंगा। तुम में सूखी घास उपजेगी, तुम भूसी उत्पन्न करोगे, तुम्हारे सांस आग है जो तुम्हें भस्म करेगी। देश देश के लोग फूके हुए चूने के समान हो जाएंगे, और कटे हुए कटीले पेड़ों की नाई आग में जलाए जाएंगे। हे दूर दूर के लोगों, सुनो कि मैंने क्या किया है, और तुम भी जो निकट हो मेरा पराक्रम जान लो। सियोन के पापी थरथरा गए, भक्तिहीनों को कंपकंपी लगी है। हम में से कौन प्रचंड आग के साथ रह सकता है, हम में से कौन उस आग के साथ रह सकता है जो कभी नहीं बुझेगी। जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता और अंधेर के लाभ से घृणा रखता और घूस नहीं लेता और खून की बात सुनने से कान बंद करता और बुराई देखने से आंख मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी न होगी। तू अपनी आंखों से राजा को उसकी सुंदरता में देखेगा और लंबे चौड़े देश पर दृष्टि करेगा। तू भय के दिनों को स्मरण करेगा, गिनने वाला और तौलने वाला कहाँ रहा, गुम्मटों का गिनने वाला कहाँ रहा। तू उन निर्दय लोगों को न देखेगा जिनकी कठिन भाषा तू नहीं समझता और जिनकी लड़बड़ाती जीभ की बात तू नहीं बूझता। हमारे पर्व के नगर सियोन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा कि वह विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा और जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और कोई रस्सी कभी न टूटेगी, और वहां महाप्रतापी यहोवा हमारे लिए रहेगा। वह बहुत बड़ी बड़ी नदियों और नहरों का स्थान होगा जिसमें डांड वाली नाव न चलेगी और न शोभायमान जहाज उसके पास होकर जाएंगे। क्योंकि यहोवा हमारा न्याय, यहोवा हमारा हाकिम, यहोवा हमारा राजा है, वही हमारा उद्धार करेगा। तेरी रस्सियां ढीली हो गई, वे मस्तूल की जड़ को दृढ़ न कर सके और न पाल को चढ़ा सके। तब वही लूट छीन कर बांटी गई, लंगड़े लोग भी लूट में भागी हुए, और कोई निवासी न कहेगा कि मैं रोगी हूं, और जो कोई इसमें रहेंगे उनका अधर्म क्षमा किया जाएगा।